हाय स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस टॉक अबाउट यूएसए। अगर आप यूएस जाना चाहते हो तो इस टाइम यूएस एम्बेसी ने 250,000 स्लॉट्स ओपन किए हैं, चाहे वो विजिटर हो, वर्क परमिट हो, स्टूडेंट वीजा हो, सबके लिए। और इतनी मात्रा में इतना नंबर स्लॉट्स ओपन होना आपको ये पता चलता है कि यूएस एम्बेसी वीज़ा काफ़ी देने वाली है। तो यूएस में अगर हम वन बाई वन बात करें कि किस टाइप के कोर्सेज में आपको अप्लाई करना चाहिए, आपके जो कोर्सेज होने चाहिए वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो आपको उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी 3 ईयर का मिलता है स्टेम कोर्सेज में, क्योंकि आपको पता है 74% स्टूडेंट जो है, अगर हम डाटा देखते हैं, तो वो जाता है यूएस में आईटी कोर्सेज के लिए। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। अब सबसे ज़्यादा जो आईटी स्टूडेंट जाने का मतलब, आपको पता ही है कि सारी कंपनीज जो हैं, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो लिंक्डइन का हो, या जो भी हो, सारे हेड ऑफिस मैक्सिमम वहीं से शुरू है, सिलिकॉन वैली है। बेसिकली हर बच्चे को अपना फ्यूचर देखना है। अब जैसे हम कंपैरिजन कर रहे थे, कल ही हम एक पोस्ट पे देख रहे थे, जो बंदा वहाँ पे 10 ईयर्स यूएस में रहा, देन दे हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया एंड देयर वाज अ कंपैरिजन। तो व्हाट ही वाज टेलिंग कि अगर यंगर जनरेशन है और उसने अभी प्रोग्रेस करनी है, तो यूएस इज़ द राइट चॉइस, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। बट अगर आप रिलैक्स लाइफस्टाइल देख रहे हो, देन ऑस्ट्रेलिया इज़ गुड। तो आपकी एज में व्हेन यू आर यू नो जस्ट पढ़ने जा रहे हो, और जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको जो है यूएस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने की बहुत मिलती हैं। अब कोर्स कौन सा करें, आजकल जो है आईटी में आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आप कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हो। अब आईटी में तो आपको पता है साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा एनालिटिक हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ये सारे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अभी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। आपका यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, अगर आपकी ग्रेड्स बहुत अच्छी हैं तो आपको जो है स्कॉलरशिप 100% तक भी यूएस में मिलती है। अब आपको उसके लिए बहुत पहले एप्लीकेशन डालनी होती है, क्योंकि अगर उन्होंने फ्री में आपको पढ़ाना है, मीन्स 100% स्कॉलरशिप देनी है, तो उनके पास भी लिमिटेड कोटा है। इतने बच्चे हमें जो है वो, जिनसे हमने कोई फीस नहीं लेनी, वो क्यों नहीं लेनी, क्योंकि दे आर सो इंटेलिजेंट, वो हमारे रिसर्च में हमारी हेल्प करेंगे या हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, इसीलिए तो वो 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, लेकिन वो हर किसी को नहीं देंगे, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को। और यूएस में खाली एकेडमिक नहीं देखा जाता है, अगर आपका पोर्टफोलियो पूरा बन के जा रहा है, जिसके लिए बच्चे पता नहीं कितने कितने लाख देते हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए, अगर मेरे से गाइडेंस लेते हैं तो वी डोंट चार्ज दैट मच। आपको पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो में आपने अगर कोई सोसाइटी के लिए काम किया, आपने स्पोर्ट्स के लिए काम किया, एकेडमिक्स में आप अच्छे हो, तो ये सारा मिला के एक पोर्टफोलियो बनता है, जिसके साथ आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो, और फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें कि आपको स्कॉलरशिप्स बहुत अच्छी मिलती हैं। हाँ, आइल्स टेस्ट या इंग्लिश का कोई भी टेस्ट, वहाँ पे हर किस्म का टेस्ट एक्सेप्टेड है, चाहे वो आइल्स हो, ड्यूलिंगो हो, टफल हो, सेल्फिप हो, या होम बेस हो, या आपने सेंट्रिक किया हो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये आपकी जो इंग्लिश टेस्ट है वो एक क्रिटेरिया एडमिशन का। अब एम्बेसी के लिए, हाई कमीशन के लिए वो मैटर नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता क्योंकि यूएस हाई कमीशन में आपका जो वीज़ा है वो इंटरव्यू बेस है, तो इसलिए उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने आईएलटीस करना है, टोफल ही करना है, वो एक आपका रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी का है, जिसमें वो देखते हैं कि इनकी इतनी जो है इंग्लिश स्किल्स अच्छी है, जब अच्छी यूनिवर्सिटी होगी रिक्वायरमेंट उतनी अच्छी होगी। मैं आपको फिर भी रफली बता देती हूँ,
आपका जो इंग्लिश का 6.57 एक अच्छा स्केल माना जाता है, आइल्स के इक्वलेंट हम दूसरे भी जो पीटी का या टोफल का उसी के इक्वलेंसी में हम चले जाते हैं फिर। लेकिन जितना अच्छा आपका स्कोर होता है जब आपका स्कॉलरशिप के लिए चूज़ किया जाता है तो वो सारी चीज़ें ही आपको वेटेज मिलती है। अब कुछ पॉइंट्स आपको इंग्लिश टेस्ट के मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको अपने ग्रेड्स के मिलेंगे, कुछ आपके जो आपने सोसाइटी के लिए काम किया, कोई एनजीओ के लिए काम किया है या कुछ स्पोर्ट्स के लिए काम किया है, इन सब का देखते हुए आपका एक वो मिलता है जिसको कहना चाहिए कि टोटल ओवरऑल, एंड उसके ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन। मान लीजिए आपका स्कॉलरशिप में नहीं आता, आप 100% या 50% तक आता है, आपका 40% तक आता है, देन उसे कैन बी गुड अपॉर्चुनिटी। तो हमने फिर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया सेलेक्ट करने हैं या यूनिवर्सिटी रैंकिंग सेलेक्ट करनी है। अगर आप बहुत लोअर लेवल की यूनिवर्सिटी लेते हैं तो भी आपके वीज़ा में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो हमें जो है जब आपका सिलेक्शन करते हैं, वी यूज टू गो फॉर द गुड यूनिवर्सिटीज, अच्छी स्कॉलरशिप्स, क्योंकि हमारे वीज़ा सक्सेस के लिए हमें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब उसके बाद आता है जब आपने सिलेक्शन प्रोसेस यूनिवर्सिटी का हो गया, उसमें अप्लाई हो गया, और जब वो सेलेक्ट होता है, अगर मान लीजिए आपको 50% स्कॉलरशिप मिली, यूनिवर्सिटी फ़ी वॉज $25,000, तो नाउ यू हैव टू पे 12,500, राइट? अब विथ 12,500 मस्ट बी 18,000 या 12,000 इंक्लूडिंग योर अकोमोडेशन चार्जेस आर वट एवर, यू हैव टू शो द फाइनेंशियल्स। अब US में क्यों है, फाइनेंस आप एक दिन पुराने भी अकाउंट में शो कर सकते हो और उसके साथ आपको जो है आपका I-20 आ जाता है। I-20 आने के बाद आप अपनी सर्विस फीस पे करते हो और एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लेते हो। तो दिस इज़ वेरी इजी प्रोसेस, दिस इज़ द यूनो कंट्री, ये कंट्री ऐसी है जहाँ पे आपको एडवांस में कोई फीस पे नहीं करनी है यूनिवर्सिटी को। आफ्टर क्लियरिंग योर इंटरव्यू यू हैव टू पे द फी। और यहाँ सबसे इजी चीज़ क्या है कि आपने फीस भी वीज़ा के बाद पे करनी है और सेम डे वीज़ा का डिसीजन है। इट्स नॉट लाइक अदर कंट्रीज़ की जहाँ आपको फाइल लगाए 3 महीने 4 महीने हो गए एंड देन यू विल गेट द रिजल्ट। सो US इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ आपको टाइम सेविंग बहुत है कि जिसमें कि आप सबसे कम टाइम में मीन सिंगल डे में आपका वीज़ा होता है और जो आपकी यूनिवर्सिटी फीस है वो भी वीज़ा के बाहर जाती है। तो विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन इन नेक्स्ट वीडियो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ़ यू एंजॉयड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।